अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। तो देखिएगा, विषय कोड आपका 323 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, सेशन ए में सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है। सेशन ए में सबसे पहले बोला 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्नों का आंसर की बताऊंगा, ठीक है ना, और कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो पहला का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, अन्वेषण एवं जो है ना वर्णन। तो राइट आंसर पहला का डी आप लोगों को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बोला जा रहा है आपसे कि जो ना फ्रेवरे संबंधित किससे। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यह संभववाद से, ठीक है, संभववाद से ऑप्शन बी होगा। पहला का भी ऑप्शन बी ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, पहला का भी मात्रात्मक क्रांति होगा। तो पहला का भी राइट आंसर ऑप्शन बी ही नोट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आप लोगों से 3 नंबर बोला गया, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो 3 का भी ऑप्शन सी नोट कर लेना है, यानी कि ये बिल्कुल आपका बुशमैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से जो है ना 4 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और जो ना अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध जो ना संबंधों का अध्ययन किया या किनका कहना है। तो आप नोट कर लीजिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट होगा, कुमारी सैंपल ने। तो बिल्कुल ऑप्शन सी नोट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों से 5 नंबर बोला, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा का, सॉरी गोवा है क्या, सिक्किम का, ठीक है ना, सबसे कम बोला तो सिक्किम का। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न बोला गया कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। तो बिल्कुल 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, पीटर्सबर्ग, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं किसमें। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि मत्स्य इन सभी से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 8 नंबर की, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन एक ओपेक का सदस्य। तो बिल्कुल 8 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा जो ना वेनेजुएला, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, नाइजीरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जनसंख्या का घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 11 नंबर की, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो बिल्कुल 11 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, कांस मांस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, किस प्रकार की बस्ती सड़क चुकी नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो आप 12 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि रेखीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 13 का राइट आंसर सी होगा, समुद्र विज्ञान, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा। तो आप नोट कर लीजिएगा, 14 का डी होगा, रेखिया में। अगली प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर बोला गया, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मिलियन सिटी की जनसंख्या ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये 10 लाख से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न बोला गया कि बाबा बुदान पहाड़ी इनमें से क्या कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये कर्नाटक में, तो ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 17 नंबर को देख लीजिएगा, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि झारखंड के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगीत माना गया है। तो नोट कर लीजिएगा, 18 का बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एक करेक्ट होगा, भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली प्रश्न बोला गया 19 नंबर की, झीड़ के चारों ओर बसा गांव का किस प्रतिरूप में आएगा। तो बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन सी नोट कर लेना है, वृत्ताकार में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 नंबर प्रश्न की, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन डी नोट करना है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि रेखिया नगर का
का विकास होता है किसमें, तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन ये नोट कर लेना है, नदी के सहारे। 22 नंबर प्रश्न बोला गया है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो बिल्कुल नोट करना है 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेरल। चलिए पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए हम लोग सीखते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि इसका पीडीएफ वगैरह आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। और बता दें इसी चैनल पर डेली 8 बच्चों का डेली रात में 8:30 लाइव क्लास होता है, तो आप लोग उसके लिए जरूर जुड़िए, नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है। तो चलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करने के लिए सिखा दें। इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ना गूगल को क्या कर लीजिए, गूगल को सबसे पहले ओपन कर लीजिए, इसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। एक सेकंड में आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ, मिथुन स्टडी लिखना है आपको पूरा, ठीक है, मिथुन स्टडी सेंटर बस चैनल का नाम लिख दीजिए, बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। तो आपको लिख के सर्च कर लेना, सर्च करने के बाद देखिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है आपके सामने, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 12 का सेशन, ठीक है, और यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 अगस्त मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, पेज को आते ही रिफ्रेश कर लेना, नीचे की ओर पेज को खींचना है, ठीक है, इसे रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होते ही नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, ये आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, इसे जरूर पढ़िएगा, अगर मनो तो पढ़िएगा, नहीं तो इस पर आप लोग क्लिक करके इसे छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। आप चले आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे चले आइएगा तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा सामने में, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना है, फिर इसको पढ़, ये सभी आपके एग्जाम से संबंधित है, पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, ये साइंस का सेशन यहाँ पर नहीं क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये रहा आर्ट्स का सेशन, आपको मिल जाएगा पेपर नेम डाउनलोड लिंक, आपको पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश मतलब आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का है, देख लो यहाँ पर फिलोसफी साइकोलॉजी सोशोलॉजी इकोनॉमी होम साइंस हिस्ट्री म्यूजिक उर्दू मतलब टोटल है। फिलहाल हमें किसका करना है, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ भी पेज को क्या कर लीजिएगा, यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश करने के बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे चले आएगा, नीचे आएगा ना तो आपके सामने देख लीजिएगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा, जो कि अभी बता रहा हूँ सारे प्रश्नों का आंसर की दे दिया हूँ, लिख लीजिए। सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना, तो 5 प्रश्नों का उत्तर मैं डाल दूंगा, और लॉन्ग में 3 क्वेश्चन का, तो इसका उत्तर मैं डाल देता हूँ, आकर के डाउनलोड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से बोला गया कि भारतीय लेट प्रणाली में कितने मंडलों को विभाजित किया गया है, तो 23 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 23 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो ना 24 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रश्न बोला गया कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, पश्चिमी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 नंबर की डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहां के थे, तो बिल्कुल 25 का राइट आंसर भी नोट करना है, पाकिस्तान के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, जून से सितंबर, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा डी होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, तो बिल्कुल आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि नमक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बोला गया कि कृषि के अंतर्गत इनमें से कौन किसे लाते हैं, तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन नंबर आपको डी नोट करना है, इनमें से सभी को। 29 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी क्या थी, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन होगा 31% ही। चलिए आगे बढ़ते, अगली प्रश्न आप लोग 30 नंबर को देखिए, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो बिल्कुल आप नोट करिए, ऑप्शन होगा मुंबई का। चलिए फिर सब्जेक्टिव कोड, सबसे पहले सेशन बी में जो है ना टोटल 10 प्रश्न है, 5 प्रश्नों का जवाब देना है, ये 10 नंबर के लिए होगा, ठीक है, 2 मार्क्स वाला है। पहला प्रश्न है कि भूगोल की परिभाषा लिखे, दूसरा है कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, दूसरा है, तीसरा नंबर है भूगोल भौतिक भूगोल के महत्व का वर्णन करें, वायुमंडल किसे कहते हैं, भूगोल के विकास में भारत की क्या भूमिका है, और 6 नंबर में कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और 7 नंबर की आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा 7 नंबर के बाद 8 नंबर है, और उसके अलावा देख लीजिएगा बोला जा रहा है कि भूगोल को सभी ज्ञानों का जनक क्यों कहा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निर्मित करने वाले गैसों के बारे में लिखे। चलिए ये हो गया आपका शॉर्ट प्रश्न। अब लॉन्ग क्वेश्चन में 11 से 15 तक प्रश्न, 3 प्रश्नों का जवाब देना, 5 नंबर वाला 15 नंबर के लिए होगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करें, भूगोल भारत में भू आकृति प्रदेशों का वर्णन करें, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करें, और चौथा है कि ग्रह की उत्पत्ति संबंधी जो ना निहारिका परिकल्पना करें, और 14 नंबर 15 नंबर के भारत की स्थिति का प्रकार करें। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको जो ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और डाउनलोड आंसर करने के लिए बताओ जाकर कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।